सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं चंदी सिंह आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो कि आज मैं किस चीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Hyundai Ora, जो कि CNG वर्जन है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में कि इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है और एक गाड़ी कैसी रोड पर चलती है और क्या क्या फीचर इसके और कंपनी के साथ क्या क्या इसकी चीज़ें आती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, पहले गाड़ी की आगे फ्रंट से बात करते हैं कि आगे हमें गाड़ी के अंदर फ्रंट में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें Hyundai की बेजिंग मिल जाएगी, बहुत ही सुंदर बेजिंग मिलेगी, सिल्वर क्रोम के अंदर आपको मिल जाएगी। और आगे बात करते हैं कि ये है क्रोम फिनिशिंग के अंदर आपको ये ग्रिल मिल जाएगी और बहुत ही एलिगेंट लुक के अंदर आपको ये आपको ग्रिल मिलेगी। और जो अंदर हवा जाने के लिए अगर कूलेंट की बात करें इंजन को कूलिंग के लिए, तो जगह बहुत छोटी दे रखी है इसके अंदर ताकि हवा अंदर जाए और कूलेंट होता रहे आपका इंजन। और बात करते हैं साइड फोक लैंप्स की, तो साइड में आपको फोक लैंप्स यहाँ मिल जाएंगे। और थोड़ा सा ऊपर आगे आएंगे तो हम दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हेडलाइट्स। तो हेडलाइट्स जो बिल्कुल बहुत नॉर्मल है, हैलोजन बल्ब के अंदर आपको मिलेंगे, प्रोजेक्टर नहीं मिलने वाला इसके अंदर आपको। और बात करते हैं साइड इंडिकेटर्स की, तो साइड इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे साथ में। तो थोड़ा सा और राइट के अंदर आते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें नीचे आपको फॉग लाइट्स मिल जाएंगे इसके अंदर जो कंपनी फिटेड ही होती हैं। और सेम आपको हेडलाइट्स मिलेंगी हैलोजन बल्ब के अंदर मिलेंगी और आपको इंडिकेटर लाइट इसके अंदर मिल जाएंगे। तो गाइस आज जो बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में, तो काफ़ी साफ़ सुथरा इंजन हमें मिलता है Hyundai के अंदर। और इंजन जो हमें मिलेगा वो 1200 सीसी का इंजन हमको मिलेगा इसके अंदर। और हाँ, 68 bhp की पावर ये जनरेट करता है, तो काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन हमें मिलेगा Hyundai के अंदर। और बात करते हैं इसके अंदर एक्साइड की बैटरी हमें इसके अंदर मिलेगी, कंपनी फिटेड मिलेगी। और थोड़ा साइड में बात करेंगे तो ये हमें प्रेशर गोज यहाँ पर मिल जाएगा जो कि आपको एनालॉग दिख रहा होगा। और हाँ, बात करते हैं इसके इंसुलेशन की, बात करते हैं कि यहाँ पे हमें कोई नॉइस कैंसिलेशन के लिए कोई इंसुलेशन नहीं मिल रहा है ताकि इंजन की आवाज़ बाहर ना जाए, ऐसा कोई इंसुलेशन नहीं है इसके अंदर। और बात करके थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो नीचे कोई प्रोटेक्शन नहीं है ताकि अगर नीचे से कोई पत्थर लग जाए, कोई भी कुछ भी डैमेज हो सकता है, तो उसके बहुत चांसेस है कि अगर से नीचे कोई पत्थर है तो इंजन को आपको डैमेज मिल सकता है, तो नीचे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस गाड़ी के अंदर। तो गाइस आ जाओ गाड़ी के आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसके टायर से। तो टायर्स हमें इसके अंदर मिलेंगे 14 इंच के टायर मिलेंगे, अलॉय व्हील्स नहीं आते इसके अंदर, सिर्फ आता है अलॉय कवर इसके अंदर आपको मिलेगा इसके अंदर। और हाँ, बात करते हैं इसके अंदर डिस्क की, तो हाँ फ्रंट के अंदर आपको डिस्क मिल जाएगा, लेकिन अगर रियर की बात करोगे तो रियर टायर्स के अंदर आपको ये ड्रम ब्रेक्स मिलने वाले हैं। तो हाँ, थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हाँ आपको ये साइड इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। और ऊपर आते हैं तो ये आपको साइड रियर व्यू में मिलेगा जो रिट्रैक्टेबल नहीं है, ठीक है, एडजस्टमेंट हो सकती है अगर इसको मिरर को एडजस्टेबल करना चाहते हो तो अंदर से इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और हैंडल की बात करते हैं तो बॉडी कलर के अंदर आपको हैंडल मिलेगा, नॉर्मल है इसके अंदर। और आपको सेंटर लॉकिंग इसके अंदर मिल जाएगी, कंपनी फिटेड मिल जाएगी इसके अंदर। तो गाइस बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, बात करते हैं तो रियर प्रोफाइल के अंदर आपको वही Hyundai के ही आपको इसकी बेजिंग मिल जाएगी, बहुत ही सिल्वर क्रोम फिनिश के अंदर मिलेगी Ora की मिलेगी आपको यहाँ बेजिंग, बहुत अच्छे तरीके से बेजिंग है इसकी। और बात कर सकते टेल लैंप्स की, बात करते हैं तो टेल लैंप्स में आपको वो नॉर्मल आपको हैलोजन बल्ब्स ही मिलेंगे, रिवर्स के लिए आपको यहाँ लाइट मिल जाएगी आपको, और साइड इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे आपको। और नीचे आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे जो आपको हर गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, तो नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं इसकी कैमरे की, कैमरा इसके अंदर नहीं आता है, सिर्फ रिवर्स इसके अंदर सेंसर आपको मिलेगा जो कंपनी फिटेड होगा। तो ये जो कैमरा आप देख रहे हो ये कैमरा ग्रे मार्केट से लगाया हुआ है, तो कंपनी फिटेड आपको कैमरा नहीं मिलने वाला है। गाइस अब बात करते हैं इसकी गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में, तो बूट स्पेस इसके अंदर आपको 402 लीटर का आपको बूट स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसका साइड कवर आपको हटा के दिखा देता हूँ, तो हाँ काफ़ी इनफ स्पेस है इसके अंदर, 402 लीटर का आपको स्पेस मिल जाएगा। और हाँ, इसके अंदर आपको CNG टैंक आपको दिख रहा होगा वो जो ऑलरेडी फिटेड कंपनी फिटेड आपको मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने के लिए CNG यहाँ पे आपको यहाँ पे बटन आपको मिल जाएगा, तो इजीली आप मैनुअली जाके इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और हाँ, नीचे बात करते हैं यहाँ पे आपको आपको एक स्पेयर आपको टायर मिल जाएगा और टूल किट भी साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और साथ में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे अगर इनकेस अगर आपकी गाड़ी कहीं ख़राब होती है तो इन रिफ्लेक्टर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से बूट स्पेस बहुत अच्छा है इसके अंदर आफ्टर दी टैंक इंस्टॉल्ड, और आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो और जर्नी इंजॉय कर सकते हो इसके अंदर। तो गाइस बात करते हैं अब इसकी गाड़ी की इंटीरियर की, कि हमें इंटीरियर में क्या क्या इसके अंदर मिलता है। तो हम इसके साइड डोर की बात कर लेते हैं एक बारी,
तो साइड डोर के अंदर आपको नॉर्मल प्लास्टिक ही मिलेगा, कुछ खास इतना कुछ हार्ड शेल वाला कुछ नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ये कलर के अंदर आपको ये डोर मिल जाएगा यहाँ पे। तो बात करते हैं इसके बटन के बारे में, बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो पावर विंडो के लिए बटन मिलेगा, सिर्फ आपको चारों बटन आपको पावर विंडो के लिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो और ऊपर नीचे आप कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो। और हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ रियर जो व्यू मिरर होता है, साइड मिरर्स होते हैं, उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था आपको। तो ये लेफ्ट राइट के लिए यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से भी। हाँ, गाड़ी को लॉक करने के अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको दो बटन आपको मिल जाएंगे इजीली। हाँ, चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन इसके अंदर है, अगर आप बच्चों को पीछे बैठाते तो चाइल्ड लॉक भी इजीली आप इस डोर के अंदर आपको फैसिलिटी मिल जाएगी किसी चीज़ की। हाँ, तो बाकी बात करते हैं, आप कप होल्डर रख सकते हो यहाँ पे इजीली, कोई भी ग्लास रखना चाहता तो काफ़ी अच्छी इनफ स्पेस है यहाँ पे। तो यहाँ से गाड़ी को आप लॉक अनलॉक भी कर सकते हो यहाँ पे। तो गाइस हम बात करते हैं इसकी चाबी की, तो चाबी इसकी जो फ्लिप वाली चाबी आपको मिल जाएगी इसके अंदर, और तीन ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे आपको, लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए और बूट स्पेस खोलने के लिए। तो काफ़ी एलिगेंट चाबी आपको मिल जाएगी इसके अंदर। तो बाकी फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग बहुत ही अच्छा नॉर्मल स्टेयरिंग आपको मिल जाएगा, और ऑडियो कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे बटन कुछ मिल जाएंगे, मोड चेंज करने के लिए, म्यूट करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए आपको मिल जाएगा, कॉल एक्सेप्ट करने के रिजेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होंडा इसके अंदर दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा एलिगेंट लुक है स्टेयरिंग के अंदर। तो गाइस एक बारी गाड़ी को चालू करके देख लेते हैं एक बारी, तो इसका मैं टैकोमीटर आपको दिखा दूंगा। तो आप जैसे देख सकते हो कि टैकोमीटर बिल्कुल एनालॉग आपके अंदर मिलेगा, आरपीएम जो मिलेगा आपको वो बिल्कुल नॉर्मल आपको एनालॉग के अंदर मिलने वाला, डिजिटल नहीं मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर दिख रहा होगा आपको, सीएनजी का और पेट्रोल का दोनों आपको मिल जाएगा यहाँ पे। टाइम भी आप देख सकते हो और किलोमीटर कितने रन हो चुकी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी इसका अगर स्पीडोमीटर की बात करेंगे तो वो भी बिल्कुल एनालॉग ही मिलेगा आपको, 0 to 220 के अंदर आपको दिख जाएगा आपको। बाकी सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहनी है, हैंड ब्रेक अगर आपका खींचा हुआ है तो वो आपको इंडिकेटर यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस आप बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के अंदर, तो कि हमें म्यूजिक सिस्टम किस तरह का मिलता है। तो म्यूजिक सिस्टम बहुत ही नॉर्मल है, ना ही कोई टच है इसके अंदर। तो आपने देखा होगा होंडाई के अंदर जितने नॉर्मल सिस्टम्स आपको मिलते हैं तो वही आपको मिलेगा, तो वही आपको यहाँ पे आपको FM चेंज करने के लिए, सेशन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 आपको बटन्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाने कम करने के लिए आपको मिल जाएगा, और एक छोटी स्क्रीन आपको दे रखी है यहाँ पे। तो वही आपको नॉर्मल सा ही आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है। और हाँ, अच्छी बात इसमें ये है कि आप इसको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो, और सेकेंड थिंग इसके अंदर आपको USB का पोर्ट भी मिलेगा, एक और दो पोर्ट आपको मिलेंगे, और इसके अंदर अपनी पेन ड्राइव भी आप लगा सकते हो, और फास्ट चार्जिंग के लिए भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है इसके अंदर कि दो पोर्ट्स के अंदर आप USB के आप यूज़ कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। और थोड़ा सा बात करते हैं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ये 5 गियर ट्रांसमिशन के आपको मिलेगी, मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगी। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दो कप होल्डर्स आपको रखने के लिए जगह मिल जाएगी, और हैंड ब्रेक बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ठीक है, कुछ ज़्यादा एलिगेंट तो नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मल सी इसकी हैंड ब्रेक है। और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो देखेंगे इसके आपको AC वेंट्स आपको मिलेंगे, वो 4 AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको AC वेंट दो फ्रंट में मिल जाएंगे, साइड में आपको वहाँ पे एक दिखेगा, और एक साइड में राउंड शेप के अंदर ही आपको यहाँ पे साइड में एक और यहाँ पे मिलेगा। हजार्डियस लाइट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके हजार्डियस लाइट ऑन कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके अब ग्लव डिपार्टमेंट की, तो काफ़ी इनफ स्पेस दे रखी है, काफ़ी अच्छी स्पेस दे रखी है, और यहाँ पे भी AC का वेंट है, अगर आप कोई चीज़ सामान रखते हो खाने पीने का भी तो इजीली आप उसको रख सकते हो, तो वो ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे उसके। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होंडाई के अंदर आपको मिल जाएगा। हाँ, रियर व्यू काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, आपको एलिगेंट सा मिल जाएगा, बहुत प्यारा सा वाइड एंगल के अंदर आपको ये रियर व्यू मिल जाएगा, और रीडिंग लैंप्स आपको मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी रीडिंग लैंप्स इसके अंदर आपको मिल जाएगी, ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, और माइक का ऑप्शन आपको यहाँ आपको दिखी जाएगा, सन वाइजर विदाउट मिरर इसके अंदर आपको मिलने वाला है, ड्राइवर साइड पर मिलेगा और साथ में पैसेंजर साइड पर भी आपको वाइजर मिलेगा लेकिन विदाउट मिरर। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी कर दी है होंडाई ने यहाँ पर, तो ठीक है, अच्छा है वैसे। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट व्यू हो गया, पूरा रिव्यू मैंने आपको दे दिया फ्रंट के अंदर से। और काफ़ी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो आप देख सकते हो कि ब्राउनिश कलर का आपको जो दिख रहा है कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो काफ़ी एलिगेंट लग रहा है, तो ये लुक काफ़ी अच्छी कर देता है फ्रंट से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी होंडाई ने ये चीज़ इस गाड़ी के अंदर दी है।
तो बाकी आप बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की, तो चलिए बैक प्रोफाइल देखते हैं एक बार। तो गाइस आप बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल की, तो अभी मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ, तो लेग स्पेस बहुत अच्छा लेग स्पेस है, तो जर्नी करते हुए आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम होने वाली है इस गाड़ी के अंदर। तो लेग स्पेस के मामले में बहुत अच्छा लेग स्पेस आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं पीछे क्या क्या मिलने वाला है, तो पीछे हमें एसी के दो विंड्स आपको मिल जाएंगे, और बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे हैंडल आपको मिल जाएगा, दोनों पैसेंजर साइड्स पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और इस तरफ ही आपको मिलेगा। और रीडिंग लैंप आपको वही है जैसे आपको आगे रीडिंग लैंप्स मिली थी, तो यहाँ पे भी आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगे आपको। और तो बात करते हैं इसकी सीट कवर्स की बात करते हैं, तो सीट कवर्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी फिटेड है, ठीक है, और लेदर के हैं, तो काफ़ी अच्छा एलिगेंट लुक इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये देखिए तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है इसका। और हाँ, इसके अंदर आपको पावर विंडो के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल ही जाएगा आपको, ऊपर नीचे करने के लिए, अप डाउन करने के लिए यहाँ से ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। और सेम चीज़ आपको यहीं पे आपको राइट साइड पे भी मिलेगी आपको अप डाउन करने के लिए। तो फिलहाल बैग में इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन जो भी जैसा भी था वो मैंने आपको दिखाई थी है। तो गाइस अब बात कर रहे थे गाड़ी की माइलेज के बारे में, बात कर लेते हैं कि गाड़ी की माइलेज क्या रहेगी। तो वैसे कंपनी जो क्लेम करती है वो क्लेम करती है 28 किलोमीटर पर केजी, तो इट्स क्वाइट गुड इनफ, ठीक है, कि आप 28 किलोमीटर पर केजी के अंदर आपको मिल रही है गाड़ी, माइलेज दे रही है, तो विच इज़ गुड। आपको सिटी राइड में और सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी माइलेज है, लेकिन ठीक है उनका क्लेम करना 28 है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 24 तक आपको मिल ही जाएगी, लेकिन विच इज़ गुड। एंड सेकेंड थिंग प्राइसिंग की बात करते हैं, तो प्राइसिंग इसकी आपको मिल जाएगी एक्स शोरूम 7,70,000 रुपीज़ का आपको प्राइसिंग मिलेगी एक्स शोरूम, जिसके अंदर आपका 60,000 रुपीज़ का आपको RTO देना पड़ेगा, 44,000 रुपीज़ का आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, और एंड लास्ट आपको ये एक्स शोरूम प्राइस के बाद ऑन रोड प्राइस जो पड़ने वाला है वो पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 8,80,000 रुपीज़ का मिलेगा। तो ठीक है 9 लाख रुपए के आसपास आपको ये बजट के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो बाकी ओवरऑल मैंने आपको सारा रिव्यू आपको बता ही दिया, इंटीरियर आपको दिखाई दिए, इंजन के बारे में आपको बताया कि 1200cc का इंजन आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगा, 68 bhp के साथ आपको पावर के साथ आपको ये इंजन मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ही गाड़ी है Hyundai की, और आई होप आप लोग। तो गाइस सिर्फ इतना ही था इस गाड़ी के बारे में, मैंने सारी स्पेसिफिकेशन आई होप सारी आपको बताई, इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यार काफ़ी लोग यार वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे रिक्वेस्ट कि जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, सत श्री अकाल, नमस्कार।